दोस्तों आए दिन एक सवाल आता रहता है हस्बैंड और वाइफ की तरफ से कि शादी के एक साल होने से पहले क्या डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या शादी एक साल पूरी कंप्लीट नहीं हुई क्या डाइवोर्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तीसरी बात कि साहब हमारी तो शादी को अभी मात्र 6 महीने हुए तो क्या हम डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम डाइवोर्स ले सकते हैं म्यूचुअल में या वन साइडेड किसी भी टाइप से, क्या हम डाइवोर्स अप्लाई करेंगे, कोर्ट इसे रिसीव करेगा या नहीं करेगा। जितने भी आपके डाइवोर्स रिलेटेड इस टाइप के कॉमेंट आते हैं, जो सवाल आते हैं, सभी को मैं इस वीडियो में पूरी तरह से रिप्लाई देने वाला हूं। इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर बाय चांस मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ शादी को एक साल नहीं कंप्लीट आपका हुआ नहीं है, ठीक है, आपके दोनों के माइंड में प्रॉपरली तरीके से याद चुका है कि साहब हमको म्यूचुअल डाइवोर्स लेना है क्योंकि हमारा रिलेशनशिप आगे चलता बढ़ नहीं सकता है, जी हाँ दोनों पार्टीज को लग चुका है और दोनों ने सेक्शन 13B की मतलब आपको समझ आ गया कि म्यूचुअल में हमको डाइवोर्स लेना, बट एक साल शादी का नहीं हुआ तो हमको क्या वेट करना पड़ेगा, हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, आपको एक साल का कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 14 आपको राइट देता है कि अगर आपकी शादी और दोनों डिसाइड ये चीज़ कर चुके हो कि साहब हम एक साथ नहीं रह सकते तो ऐसी सिचुएशन आप म्यूचुअल डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो सेक्शन 14 एप्लीकेशन लगा के। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आ रहा पति या पत्नी को लेके जिनकी शादी को एक साल हुआ ही नहीं है, लेकिन उनका अपने कहते हैं कि एक तरह से पुल एंड फाइनल हो चुका कि साहब बिल्कुल हमको साथ में रहना ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा के, कई महिलाएं ये कहती कि साहब एक साल में हमारी शादी को हुआ नहीं लेकिन पति ने मुझे नोटिस जारी कर दिया। कई बार पत्नियों की तरफ से भी हो जाता है, पति की तरफ से मैक्सिमम होता है, तो महिलाओं का ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है कि साहब हमारी शादी को एक साल हुआ ही नहीं है फिर हमारे को नोटिस कैसे जारी कर दिया गया। तो देखो सिंपल सा फंडा है भैया, कोर्ट को लगता है, कोर्ट उसका ग्राउंड बना देता है, हस्बैंड उसका कुछ एविडेंस दे देता है, तो ऐसी सिचुएशन सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाता है, सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाई जाती है और कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद आपको नोटिस जारी कर देता है। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा चाहे वन साइडेड डाइवोर्स हो चाहे म्यूचुअल डाइवोर्स हो, आप दोनों में सेक्शन 14 एप्लीकेशन लगा के आप एक साल से पहले डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हो, म्यूचुअल है तो एक साल से अंडर आप उसमें डाइवोर्स भी ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपका जो कन्फ्यूज रहता है इस टाइप के जो कमेंट आते रहते बार बार, इसका मैं इस वीडियो में प्रॉपरली रिप्लाई दे दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।